1943 में लिखी गई अपनी नॉवल बीइंग एंड नथिंगनेस में फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर जॉन पॉल सार्ट्र ने एक ऐसी प्रॉब्लम बताई है जो लोगों की लाइफ में बहुत कॉमन होती है पर वो नोटिस नहीं कर पाते, विच इज कॉल्ड बैड फेथ। बैड फेथ का मतलब होता है खुद की रियलिटी से भागना, अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट ना करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जानते हैं आप किस टाइप के इंसान हैं, आप जिंदगी से क्या चाहते हैं या आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, मे बी प्रोफेशन वाइज और एनीथिंग। पर आप जिन लोगों के बीच रहते हैं उनके कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होते हैं एंड तब आप सोसाइटी में बने उन स्टैंडर्ड्स में फिट होने के लिए खुद के ट्रू सेल्फ को डिनाई करते रहते हैं। आप खुद क्या चाहते हैं उसे नज़रअंदाज करके उन पहले से बनाए हुए स्टैंडर्ड्स में फिट होने की कोशिश करते रहते हैं। खुद की रियलिटी को एक्सेप्ट ना करके सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स ब्लाइंडली फॉलो करना ही बैड फेथ होता है। और ऐसे ही हम शॉर्ट टर्म पेन इग्नोर करने के लिए खुद से झूठ बोलते रहते हैं, एज अ रिजल्ट लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल पेन से सफ़र करने लगते हैं। हम खुद को ऐसी चीज़ों पर बिलीव करने के लिए फोर्स करते हैं जो हम जानते हैं कि झूठ है, बट अगेन ये सच्चाई फेस करने से आसान लगता है। सार्ट्र बिलीव्ड कि हम खुद से लगातार झूठ बोलते रहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट रियल में ऑप्शंस हमेशा हमारे पास होते हैं। इट्स जस्ट हम बैड फेथ के इल्यूजन में इतना गहरा फंसे होते हैं कि हमें ऑप्शंस होने का अंदाज़ा ही नहीं होता। बैड फेथ सोसाइटी में हर जगह एग्जिस्ट करता है। सात्रा अपनी बुक में एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं, एक वेटर है जो खुद को ये समझाता है कि वो सिर्फ एक वेटर है, उसकी लाइफ का मीनिंग वेटर होना ही है एंड ये उसकी डेस्टिनी है। वो वेटर खुद से बोलता है उसके पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है, उसे ऐसे ही जीना होगा क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है, वो इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता, ना जाने और भी क्या क्या। बट सात्रा का कहना है इट्स नॉट ट्रू। ऐसा सोचना कि आप एक जगह फंसे हुए हैं और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये गलत है। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। इन शॉर्ट, कभी कभी कोई चॉइस ना मेक करना भी एक चॉइस ही है, इसलिए ये हम पर डिपेंड करता है हम क्या चूज़ करते हैं। लाइफ में कभी कभी स्कैरी मोमेंट्स भी आते हैं जिन्हें सात्रा कहते हैं नेगेटिव एक्सटेसी, जो अचानक से आते हैं जब रियलाइज़ होता है हम जितना सोचते हैं एक्चुअल में उससे भी ज़्यादा फ्री हैं। हम कुछ भी जो चाहें वो कर सकते हैं, ऐसा लाइफ में एक पॉइंट पर ज़रूर फील होता है। जब हम लंबे समय से एक जगह पर अटका हुआ सा फील कर रहे होते हैं, स्पेशली तब, उस वक्त ऐसा लगता है सब कुछ कितना सिंपल है, हमने ही इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। हम अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, इवन वुड्स में रहने के लिए जा सकते हैं और खुद को रीइन्वेंट कर सकते हैं। ये रिस्की हो सकता है क्योंकि हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हम शायद अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एंड जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमें उनकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी एक्सेट्रा। इन शॉर्ट, हम खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं कि अगर खुद का चाहा कुछ किया और रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो सारा फॉल्ट हमारा होगा। और इस फॉल्ट वाले फैक्टर से बचने के लिए दूसरों के रूल्स फॉलो करना आसान लगता है, क्योंकि अगर तब कुछ गलत हुआ भी तो दूसरे लोगों या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को ब्लेम कर देंगे। अदर टाइम्स कितनी बार हम दूसरे लोगों एंड सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने के लिए टेम्प्टेड भी फील करते हैं, बट हम इसे अंदर ही दबा लेते हैं और अगले दिन हम खुद को फिर से जो भी हम कर रहे हैं उस पर बिलीव करने के लिए फोर्स करते हैं, जिसका प्राइस होता है कि हम लाइफ को बदलने एंड इम्प्रूव करने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। सात्रा कहते हैं दिस वेरी मोमेंट हम भूल जाते हैं दैट एग्जिस्टेंस प्रसीड्स एसेंस, मतलब हमारे एक्शंस ही लाइफ में होने वाली चीज़ों को डिसाइड करते हैं। आवर बीइंग इज मच बिगर। सात्रा सेज वो सब कुछ जो भी इस वक्त हम नहीं हैं पर बनना चाहते हैं सब पॉसिबल है। इन बैड फेथ हम बस उन पॉसिबिलिटीज़ को खुद से दूर रखते हैं और खुद से बोलते हैं कि इस वक्त हम जो भी हैं बस यही हमारी डेस्टिनी है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बन सकते या कर सकते।
इसलिए बैड फेथ फ्रीडम के सारे ऑप्शंस बंद कर देता है। सात्रा ने बैड फेथ को काफ़ी अनहैप्पी रिलेशनशिप्स का रीज़न भी बताया है। वो कहते हैं डेटिंग के अर्ली डेज में ही कपल्स को सीक्रेटली रियलाइज़ हो जाता है कि वो कंपैटिबल नहीं हैं, पर वो ये एक्सेप्ट नहीं करते और ख़ुद को फोर्स करते हैं ये बिलीव करने के लिए कि स्टिल वो साथ में खुश रह सकते हैं। सात्रा बैड फेथ को सरप्राइजिंग या अजीब प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते। उनके अकॉर्डिंग ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारा दिमाग वायर्ड ही ऐसे होता है। वो हमें बुरा फील नहीं कराना चाहते, बल्कि ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम सब जैसे भी हैं फ्री हैं। हमारे पास चॉइसेस हमेशा होती है, नो मैटर व्हाट। हम कहीं से भी निकल सकते हैं, बैड सर्कमस्टेंसेस, बैड रिलेशनशिप्स, कुछ भी। इसलिए आप अगर ये सोचते हैं कि आप एक जगह फंसे हुए हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप मजबूर हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि जिस भी कंडीशन में आप हैं वो चॉइस भी आपकी ही बनाई हुई है। इसलिए यू कैन मेक अदर चॉइसेस एज वेल, बिकॉज एज सात्रा सैड, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।